सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जानते हैं सीपीयू क्या होता है। तो देखिए, सीपीयू जो है नॉर्मल आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर में, जो है आपको बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें जैसे जो है बहुत सारे वायर जो है आप कनेक्ट करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ठीक है, और एलसीडी का, ठीक है, और उसमें पावर सप्लाई का भी वायर जो है, सारे वायर मतलब कि उसमें से जो है जुड़े होते हैं, तो उसी को नॉर्मली जो है सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। अब सीपीयू नॉर्मली लोग तो उसको कह देते हैं, लेकिन सीपीयू जो है एक अलग चीज होता है और जो बॉक्स है उसको अलग चीज कहते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं सीपीयू होता क्या। देखिए, सीपीयू जो है उसका साइज मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप जो है आसानी से समझ पाए। सीपीयू का साइज जो होता है मात्र इतना सा होता है, ठीक है। इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अधिक बड़ा जो है साइज नहीं होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें आप जो है घर में यूज करते हैं, ठीक है। लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप में थोड़ा सा छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, मोबाइल में और ज्यादा छोटा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में भी आने लगा है सीपीयू। आप जानते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल में जो है सारे ऐप्स वगैरह जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये भी एक जो है कंप्यूटर की तरह आपका जो है हैंडल करता है, ठीक है। तो सीपीयू जो होता है वो क्या करता है, हमारे द्वारा जो है जो भी डाटा हम देते हैं वो सारी चीजें जो है लेता है और लेने के बाद जो है डाटा ट्रांसफर करता है आगे, ठीक है। तो नॉर्मली मैं जो है आपको इस बॉक्स के बारे में ही समझा देता हूँ कि बॉक्स जो है इसके अंदर सीपीयू लगा होता है और भी इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो होता है वायर इससे कनेक्ट होते हैं बहुत सारे वायर, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो जैसे आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से आपने टाइप किया तो वो सबसे पहले जो है आपके जो मशीन है, जो बॉक्स होता है उसे मशीन कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें जाता है सीपीयू में, यानी कि आप कह सकते हैं सीपीयू, ठीक है, क्योंकि आप जो है इसी नाम से जानते हैं तो आप जो है सीपीयू कह सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें दो मशीन और लगे हुए हैं, ALU और CU, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अब काम कौन करता है वो ध्यानपूर्वक सुनिए, काम जो है ALU करता है, यानी कि ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और उस काम को कंट्रोल कौन करता है, वो करता है CU। CU का काम ही होता है सारे वर्क को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करता है तो रिजल्ट जो है वो एरर आ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर में काम किया और आपने टाइप किया ए, नॉर्मली हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए आपने दबाया कीबोर्ड से तो ए जो है उसमें गया, तो सीपीयू जो है वो पढ़ता है कि क्या चीज आपने दिया है, ठीक है, और उसको जो है ट्रांसफर करता है ALU में। ALU देखेगा कि क्या काम है इसमें, क्या करना है, ठीक है, उसके बाद वो जो है आपको डेस्कटॉप पे जो है ला के दे देता है, वो होता है आपका आउटपुट, ठीक। तो यहाँ पे दो चीजें और आप समझ लीजिए, इनपुट और आउटपुट। इनपुट वो चीज होता है जो आप कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट वो है जो कंप्यूटर आपको दे देता है बदले में, ठीक है। जैसे आपने कीबोर्ड में टाइप किया कुछ भी, ए दबाया और कंप्यूटर ने जो है डेस्कटॉप के माध्यम से आपको जो है ये दिखा दिया, तो वो जो है आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में जाना, यानी कि जो भी आप काम कर डाल रहे हैं कंप्यूटर में, टाइप कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं डाटा, वो इनपुट हो गया, और जो आपको रिजल्ट मिल जाता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रिंट आउट कमांड दिया, ठीक है, कंट्रोल पी करके कोई कमांड दिया और वो जो है प्रिंट होके निकल गया प्रिंटर से, तो वो जो है आपको आउटपुट मिल गया उसका, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ये होता है। तो और कंप्यूटर बता दो, कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा जो है पढ़ता है, तो मैं आगे वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि बाइनरी भाषा क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों को भी, और देखते रहिए सब्जेक्ट को स्मार्ट क्लास और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।